वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक्नो जॉब राजस्थान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम लगने वाले 26-27 तारीख से आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा के, तो उससे रिलेटेड मैं 9 क्लास ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल चुका हूँ। तो आज अपन जो है 10 क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक होगा आम बीमारी या उनका उपचार। तो इसमें जितने भी MCQs है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो लेकिन उससे पहले, जिसने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, एक और ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को दे देता हूँ। दोस्तों, जो मेरी क्लास है उसके हिसाब से आप जो है मेरे ऊपर निर्भर ना रहे, अपने हिसाब से आप जो है 5 जो बुक है आपके हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा की, तो उसकी तैयारी आप अपने स्तर पर करते रहे। क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ तो एक्चुअली मुझे क्या टाइम मिल नहीं पाता है। हो सकता है मैं आपको पूरी क्लास है जो यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँ, आप मेरे बस्तर हो और आप जो है एग्ज़ाम में पास ना हो, तो ऐसा आप जो है पूर्णतः रूप से जो है मेरे ऊपर निर्भर ना रहें, अपने स्तर पर जो है आप तैयारी करते रहें। वैसे जहाँ तक मेरे से हो सकेगा तो मैं आपको जो है 24 तक जो है क्लास कंप्लीट करवा दूँगा, जिसमें आपके जो है फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक कवर हो जाएगी। लेकिन जो है 3rd, 4th और 5th बुक जो है मैं आपसे कंफर्म नहीं कह सकता, ये 6-7 दिन में आपको कवर करवा दूंगा। तो आपको अगर पढ़ाई करनी है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप जो है 3rd बुक, 4th बुक और 5th बुक अपने स्तर पे जो है तैयार कर लीजिए। बाकी 2 बुक फर्स्ट और सेकंड की मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%, ये 26 तारीख तक आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो अतिसार होने का कारण नहीं है, तो इसमें आपको जो है स्वच्छ पानी आएगा, क्योंकि जो अतिसार जो है दूषित पानी से होता है, दूषित खाद से होता है, दूषित हाथ तो सभी होता है, ठीक है। क्योंकि दूषित हाथ से अगर खाते हैं अपन तो अतिसार हो जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, तीव्र निर्जलन के लक्षण नहीं है, तो इसमें दे रखा है मरीज को ज़्यादा प्यास लगना, आँखें धस जाना, मुँह और जीभ सूख जाना, नब्ज तेज चलना, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन 5, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पुनः जल योजन घोल का स्वाद किसके समान होता है, तो ये जो है आपके आंसों के समान होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, अतिसार वाले रोगी को निम्न में से नहीं दी जाने वाली दवा है, तो वह है आइबुप्रोफेन, इसको अपने एक तरह से बुफ्रिन बोलते हैं। तो ये जो है अतिसार में काम नहीं आती, ये दर्द निवारक दवा होती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको दी जाने वाली दवा जो है वो है टेट्रासाइक्लिन भी दी जाती है, मेट्रोनिडाजोल भी दिया जाता है और ट्राइमेक्सोजोल भी दी जाती है, ठीक है। इसमें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है, आइबुप्रोफेन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चा और गर्भवती महिलाओं को अतिसार में नहीं दी जानी चाहिए, तो वो जो है गर्भवती महिला को टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च रक्तदाब को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जाएगा 4th ऑप्शन, भोजन में नमक की मात्रा कम ना करना। क्योंकि भोजन में जो है अगर आप नमक की मात्रा अधिक रखते हो तो इससे क्या है, उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है आपका, तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से पेट दर्द का कारण नहीं है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेट दर्द का कारण अतिसार से भी आपका पेट दर्द हो जाता है, कब्ज से भी पेट दर्द हो जाता है, और हाथों में जो कीड़े होते हैं उनके कारण भी जो है पेट दर्द होता है, महामारी के समय भी पेट दर्द होता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, निम्न में से पेट दर्द का कारण नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो है इसके कारण है, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, किन कारणों से जोड़ों में दर्द होता है, तो चोट लगने से, जोड़ों में कीटाणु और अन्य बीमारियों के कारण संक्रमण से, और वृद्धावस्था से, 4th दे रखा है ये सभी, तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से पीठ दर्द का कारण है, कसरत या काम के दौरान चोट लगने पर, किसी भारी वस्तु को गलत ढंग से उठाने या ले जाने पर, शरीर को अयोग्य स्थिति जैसे कि मुड़ना या लंबे समय तक आगे की ओर झुके रहने पर, यह सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी या ये सभी, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से जलने के कारण है, आग से भी आप जल सकते हो, गर्म या जलती हुई चीज़ से भी आप जल सकते हो, बिजली के झटके से भी जल सकते हो, और रसायन से भी आप जो है जल सकते हो, तो इसमें भी यह सभी आ जाएगा या उपरोक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन 5। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जलने की प्रथम श्रेणी कहलाती है, तो बाह्य त्वचा की पहली परत जलती है इसमें, ठीक है, तो ये प्रथम श्रेणी कहलाती है। 12 नंबर का क्वेश्चन, जलने की द्वितीय श्रेणी कहलाती है, अंदर की त्वचा परत की
जलती है। तो ये जो है ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तृतीय श्रेणी कहलाती है। 13 नंबर का क्वेश्चन, जलने की तृतीय श्रेणी कहलाती है, त्वचा की सबसे अंदरूनी परत जलती है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, अंदर की त्वचा की परत जलने पर कितना प्रतिशत जला हुआ माना जाता है। तो जो अंदर की त्वचा आपकी जल जाती है तो उसका जो है 50% जला हुआ माना जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे अंदरूनी परत जलने पर कितना प्रतिशत जला हुआ माना जाता है। तो इसमें आपका 100% जो है जला हुआ माना जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक हाथ जलने पर कितना प्रतिशत जला हुआ माना जाता है। एक हाथ जलने पर आपको 9% जला हुआ माना जाएगा, दोनों हाथ जलने पर आपको 18% जला हुआ माना जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों हाथ जलने पर कितना प्रतिशत जला हुआ माना जाएगा। तो इसमें आपको 18% करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, एक पैर जलने पर कितना प्रतिशत जलता है। तो इसमें आपको 9% जलता है। 19वां क्वेश्चन है, आपको दोनों पैर जलने पर कितना प्रतिशत, दोनों पैर जलने पर 18% जला हुआ माना जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन, चेस्ट के यहाँ का हिस्सा जलने पर कितना प्रतिशत जलता है। तो ये आपका 18% जलता है। ठीक है, आपको बुक में डायग्राम दे रखा है, आप वो चाहे तो देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, आपका मुंह या चेहरा जलने पर कितना प्रतिशत जलता है। मुंह या चेहरा जलने पर आपका 9% जलता है। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, यदि त्वचा का एक बड़ा भाग जला हो क्या करना चाहिए। तो इसमें दे रखा है, मरीज को तुरंत अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र भेज दे, चले हुए स्थान को साफ कपड़े से ढके, सिल्वर सल्फर डाइजिन क्रीम लगाएं। चौथा दे रखा है, उपरोक्त सभी या ये सभी। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, यदि त्वचा पर केवल पानीदार पपोले हो तो क्या करें। तो इसमें भी आपके जो है ये सभी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें दे रखा है, जैसे कि पहला, पानी से धोए और साफ कपड़े से सुखा दे या सुखा ले। यदि त्वचा के बदबू आ रही है और वह गीले हैं तो उस पर पट्टी बांध दे। यदि त्वचा को बदबू नहीं आ रही है और वह सूखी है तो उसे खुला छोड़ दें। तो ये सभी दे रखा है फोर्थ में, तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 24 क्वेश्चन है आपका, मरीज को सीधा लेटा दे, सॉरी, यदि मरीज सदमे की स्थिति में है तो क्या करें। तो इसमें भी उपरोक्त सभी या ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मरीज को सीधा लेटा दे और उसके पैर उसके सिर से थोड़ी ऊंचाई पर उठाकर रखें, गर्माहट पहुंचाने के लिए कुछ ओढ़ा दे, यदि वो कुछ पी सकता है तो पुनः जलयोजन घोल पीने के लिए दे, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 में। 25 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अस्थिभंग का पता लगता है। तो मरीज जख्मी अवय को हिलाता है तो उसे काफ़ी दर्द होता है, मरीज अपना अवय हिला नहीं पाएगा, जख्मी स्थान पर धीरे से दबाने पर काफ़ी दर्द होगा। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति को कुत्ते ने काटा हो तो क्या करें। तो इसमें दे रखा है, साफ पानी से जख्म को अच्छी तरह साफ करें, जख्म पर आयोडीन लगाएं, काटे हुए भाग पर पट्टी बांधें, टेटनस एंटाटॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन दें। उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है आपका, कुत्ते के काटने से बीमारी होती है। तो कुत्ते के काटने से आपको रेबीज होती है। 28 क्वेश्चन है, निम्न में से विष बाधा होती है, जहरीले बीज से, बेरी जंगली फल से, कीटनाशी से, उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी से। ठीक है, 29 क्वेश्चन है, तीव्र विष बाधा के संकेत है। तो यहाँ पे दे रखा है, किसी रसायन के कारण ओष्ठ मुंह तथा गले का हिस्सा जलना, लकवा मारना, अर्धचेतन होना, सांस लेने में असमर्थ होना। 5वां दे रखा है, उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, निम्न में से तीव्र विष बाधा को कम करने का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो पहला, दूसरा, तीसरा दे रखा है, ये सभी इसके उदाहरण, तीव्र विष बाधा को कम करने के उदाहरण। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाज या खुजली की दवा है। ठीक है, तो बेंजल बेंजाइट, बेंजल हाइड्रोक्लोराइड, पंथरीन, यह सभी, तो यह सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाद की दवा है, तो फ्लुकोनाजोल टेबलेट होती है, ये दाद में काम लीजिए। तो मेकोनाजोल ट्यूब के रूप में आती है, यह भी जो है आपके दाद में काम ली जाते। बेंजोइक सिलिसिलिक एसिड, ये भी जो है आपके दाद में काम ली जाते। तो इसमें उपरोक्त सभी या ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है, पीताकर्मी के मरीज को दवा दी जाती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1, निक्लोसामाइड। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, पिनकर्मी या सूत्रकर्मी के मरीज को दवा दी जाती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन 3, मेबेंडाजोल। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, अंकुश कर्मी के कारण हो जाता है। तो रक्त शीनता होती है अंकुश कर्मी के कारण।
36 क्वेश्चन है, अंकुश कर्मी के मरीज को कौन सी दवा दी जाती है, तो इसमें मेबेंडाजोल व सल्फेट दी जाती है। 37 क्वेश्चन है, दांतों में दर्द होने पर मरीज को गोली दी जाती है, तो एस्प्रिन की दी जाती है। 38 क्वेश्चन है, मिर्गी के मरीज को कौन सी गोली दी जाती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर फेनोबार बिडाल, ठीक है। नोट, एनाल्जेसिक दवा को दर्द निवारक दवा भी कहते हैं, यह आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार जो है आपको दर्द का उपयोग ना करते एनाल्जेसिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 39 क्वेश्चन है, 39 निम्न में से एनाल्जेसिक के प्रकार है, तो इसमें पैरासीटामोल, बुफ्रिन, डाइसाइक्लोमीन उपरोक्त सभी, या सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अतिसार रोधी दवाई है, तो मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और सिफ्लेक्सिन, यह सभी, ठीक है। 41 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अतिसार रोधी दवा नहीं है, तो इसमें आएगा कोडेन फास्फेट। 42 क्वेश्चन है, कर्मी रोधी दवाई है, तो कर्मी रोधी जो है आपके मेबेंडाजोल है और पायरेंटल पामाइड दोनों ही है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, निम्न में से त्वचा पर होने वाले दाद के लिए उपयोग की जाती है, मेकोनाजोल, क्लिट्रिमाजोल, फ्लुकोनाजोल उपरोक्त सभी, या सभी, ठीक है। 44 क्वेश्चन है, निम्न में से खांसी की दवाई है, तो ब्रोमैक्सिन या ब्रोमाहेक्सिन, कोडीन फास्फेट और नॉस्कोपाइन, तो उपरोक्त सभी या सभी, इसका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, निम्न में से दमारोधी दवाई है, सालबुटामोल, टर्बुटेलिन, एमिनोफिलिन, तो इसमें भी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनोफिलिन, सालबुटामोल। सालबुटामोल भी होती है, और आप इसमें से जो है मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, आप क्या आंसर बताते हो इसका, मैं जो है आपको कमेंट करके ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। पहले भी मैंने एक दो क्वेश्चन में ऐसे छोड़े हैं और पूछे हैं, लेकिन किसी ने भी उनके आंसर दिए नहीं हैं। 46 क्वेश्चन है, निम्न में से उच्च रक्तचाप रोधी दवाई है, तो इसमें आएगा निफेडिफिन, एटेनोलोल, एम्लोडिफिन, लिसिनोफिल, तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपन 11वीं क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक होगा अपने लोक स्वास्थ्य और बीमारियों के नियंत्रण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन, ठीक है। तो ये वीडियो आपके जो है मैक्सिमम 13 मिनट का है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर कवर कर लीजिए, ठीक है, और जल्दी आपको जो है नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।